केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर बोला हमला, हिंदुओं को लेकर क्या कहा। देश में जब बांग्लादेश की घटना घटी थी, हिंदुओं पे अत्याचार हुए थे, कई नेताओं ने कहा था कि भारत में भी बांग्लादेश की तरह होगा। बपोर्ट के नाम पर ये भारत में राहुल गांधी गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। ध्यान रखें, ये कांग्रेस के कुकृत, राहुल गांधी का ये सपना पूरा नहीं होगा। रविवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर एक के बाद एक निशाने साधे। उन्होंने आरोप लगाया कि रायबरेली से सांसद राहुल गांधी देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं, इसके लिए वे नई टूल किट भी बनवा रहे हैं। गिरिराज सिंह यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने बांग्लादेश का नाम लेते हुए आगे कहा कि जब हिंदुओं पर हमला हुआ था तभी कांग्रेस नेताओं ने इस बात की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने वक्फ बोर्ड को भी माफिया करार दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड जमीन कब्जा करने वाला माफिया है। वक्फ बोर्ड के बहाने कांग्रेस साजिश रच रही है। बांग्लादेश में हिंसा के दौरान कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा था कि भारत में भी ऐसा होने वाला है, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं होने वाला क्योंकि भारत का युवा जाग गया है। सुनिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पूरा बयान। देश में जब बांग्लादेश की घटना घटी थी, हिंदुओं पे अत्याचार हुए थे, उस समय कांग्रेस के नेताओं ने कहा था, सलमान खुर्शीद ने कहा था और भी कई नेताओं ने कहा था कि भारत में भी बांग्लादेश की तरह होगा। मुझे लगता है वक्फ बोर्ड के नाम पर ये भारत में राहुल गांधी गृह युद्ध करवाना चाहते हैं, और गृह युद्ध करवाने के लिए नए नए टूल किट बना रहे हैं। और ये, लेकिन ध्यान रखें, ये कांग्रेस के कुकृत, राहुल गांधी का ये सपना पूरा नहीं होगा क्योंकि भारत के युवा जग चुके हैं। मंत्री ये जरूरी है, लेकिन इसकी मंत्री ये जरूरी कह रहे हैं, मदनी ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से हम ये आग्रह कर रहे हैं कि वह बिल का विरोध करें, मुसलमानों की जमीन छीनने का प्रयास किया जा रहा है बीजेपी द्वारा। वक्फ बोर्ड और घोषित जमीन कब्जा करने का माफिया है, लैंड माफिया। बिहार के पटना के बगल में, फतुहा के बगल में एक गांव बरसों से हिंदू रह रहे हैं, ऐसे कई गांव हैं जिस पर वो दावा ठोक रहे हैं। हंसी तो तब आती है जब संसद को भी कह देते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। मुझे पता नहीं कब कह दे कि संसद से लेके पूरा देश वक्फ बोर्ड के जमीन पर ही है। मुझे तो ताज्जुब होता है, वक्फ बोर्ड के बहाने कांग्रेस एक साजिश कर रहे हैं भारत में गृह युद्ध करवा। बहरहाल मंत्री जी ने तो बयान दे दिया है, लेकिन कांग्रेस इस बयान पर क्या पलटवार करती है ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।